बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी। टुडे वी लाइक टू डिस्कस, बड़ा ही अहम टॉपिक है। हमारे स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज होते हैं इस बारे में कि AEIOU जो हैं क्या ये वॉवल्स हैं या नहीं हैं, और जब इनको इस्तेमाल करना होता है किसी नाउन से पहले तो ए यूज़ करना है या एन यूज़ करना है। सो क्योंकि उन्हें जनरली बताया गया है बचपन से, दे हैव बीन टोल्ड कि वावल साउंड्स जो हैं वो ये AEIOU वावल साउंड्स हैं। सो इस लेक्चर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे क्या वाकई AEIOU वावल साउंड्स हैं या नहीं है, क्योंकि सिंपली ये बताया जाता है कि जब कोई लफ्ज़ AEIOU से शुरू हो रहा हो तो उससे पहले एन लगा दे रहे हैं। टू सॉल्व दिस रिडल, दिस मिथ, वुड लाइक टू डिस्कस कि स्पीच साउंड्स एक होती हैं और एक होती हैं अल्फाबेट्स। सो स्पीच साउंड्स के मुताबिक असल में हमें आर्टिकल्स को यूज करना होता है। लेकिन अब ये आर्टिकल का यूज समझने से पहले, किससे पहले ए लगाना है, किससे पहले एन लगाना है, हमें ये समझना जरूरी हो गया है कि स्पीच साउंड्स क्या होती हैं। वैसे तो जनरल लैंग्वेज के स्टूडेंट्स को ये समझना जरूरी नहीं है फोनेटिक्स क्या है, लेकिन अब उस इस्तेमाल की वजह से उनको ये समझना जरूरी है ताकि उसे वो प्रॉपरली यूज कर सके। तो इस सवाल के लिए पहले लेट मी आस्क यू कि इंग्लिश में कितने अल्फाबेट्स या लेटर हैं। देखिए 26 हैं, ए टू जी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जी के, ए टू जी। ये 26 अल्फाबेट्स जो हैं ये अगर स्पीच साउंड ही हैं, हम कंसिडर कर लेते हैं, तो फिर इन्हें डायरेक्ट की होना चाहिए प्रोनाउंसिएशन की, और AEIOU भी इन्हीं का हिस्सा है। ये पांच लफ्ज भी जब आप बचपन में सीखते हैं लेटर्स या अल्फाबेट्स ए बी सी डी, उसमें आते हैं और ए तो पहला लेटर है। तो अगर ये डायरेक्ट की है प्रोनंसिएशन की और यही स्पीच साउंड है, तो फिर हमें ये एक वर्ड है आपको जो बड़ी अच्छी तरह पता है, मैं लिख रहा हूं KNOW। इस लफ्ज को आप क्या प्रोनाउंस करते हैं, क्या बोलते हैं, इस लफ्ज को आप कहते हैं नॉलेज। अगर अल्फाबेट्स या लेटर्स ही डायरेक्ट की हैं प्रोनाउंसिएशन की, तो इसे तो होना चाहिए कनाल्डिज, नॉलेज तो नहीं होना चाहिए, कनाल्डिज होना चाहिए। और फिर भी जी में आप कंफ्यूज होंगे, ये ग है या जी है। तो असल में इससे ये साबित होता है कि ये स्पीच साउंड्स नहीं है बल्कि लेटर्स हैं और अल्फाबेट्स हैं। मोस्टली ये जिस साउंड को डिनोट कर रहे होते हैं, जिसका इजहार कर रहे होते हैं, वही होती है, लेकिन समटाइम वो कंफ्यूजिंग होती है। जैसे आप ये वर्ड देख लें, ये है वर्ड कैट, सी शुरू में इस्तेमाल हुआ है, और यहाँ वर्ड है सीज, इसमें सी की एस साउंड है, उसमें सी की क साउंड है, अब यहाँ नॉलेज में जी की जी साउंड है, और इसी के आगे अगर आप लिख दें जग तो इसमें ग साउंड है। तो स्पीच साउंड्स डिफरेंट हैं वॉवल से, ये हमें समझना, स्पीच साउंड डिफरेंट है अल्फाबेट से। ये अगर हम समझ जाएंगे तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा आर्टिकल के यूज का भी। तो आज इसलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब स्पीच साउंड्स कितनी है असल में, अगर आप ऑक्सफोर्ड लर्नर डिक्शनरी या डिक्शनरी को जाके चेक करें तो आपको इस किस्म के कुछ साइंस नजर आएंगे, ये जो आपको नजर आ रहे हैं। और अगर आप गूगल से डायरेक्ट आवाज नहीं चेक करते, साउंड प्रोनंसिएशन उस लफ्ज की नहीं चेक करते, और गूगल से भी चेक करते हैं, तो आप देखेंगे कि दो लाइंस लगी होंगी और उन दो लाइंस के दरमियान ऐसे ऐसे जैसे स्लैश होता है, ऐसे दो लाइंस, और उनके दरमियान इनका एक इन ये जो सिंबल्स आपको मैं स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, इनका सिंबल्स होंगे। तो असल में वो जो है, इसे कहते हैं फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, वो रियल साउंड होती है उस वर्ड की। और ऑलवेज जो अपेरेंट लेटर्स हैं या अल्फाबेट्स हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम दे कैन बी द रियल साउंड, बट हमेशा वो रियल साउंड नहीं होते। अब ये एक अथेंटिक सोर्स ब्रिटिश काउंसिल के, उससे मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, जो आपकी स्पीच साउंड है वो एक्चुअली 44 है, वो आपकी महज 26 नहीं है। क्योंकि आप देख लें, आपने कभी शीन का लफ्ज इंग्लिश में देखा है, आपको बचपन से कह दिया जाता है जो है एस एच साउंड हमेशा शीन की आवाज निकालती है। अगर एस एच साउंड ही हमेशा हमेशा शीन की आवाज निकालती है, तो आप जो वर्ड नेशनल है NATIONAL, तो इसमें TIO के शीन की आवाज निकाल रहे हैं। इसी तरह बहुत सारे और लफ्ज हैं। अब मैं आपसे एक और बात भी कहूंगा कि जब BUT बट होता है तो PUT पट क्यों नहीं होता, क्योंकि BU में भी
दरमियान की जो साउंड है अल्फाबेट है वो सेम है, पी यू में भी, पी यू टी पार्ट पुट में भी दरमियान की साउंड सेम है, लेकिन इसके अंदर की मौजूद असल स्पीच साउंड वावल साउंड जो है वो डिफरेंट है। तो इसको समझने के लिए हमें पहले ये समझनी होगी कि ये वावल साउंड्स क्या हैं। अब स्पीच साउंड जो है वो टोटली 44 है, उनमें दो मेन कैटेगरीज हैं, एक को हम कहते हैं वावल और एक को हम कहते हैं कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो असल में वावल साउंड्स जो जितनी भी वो साउंड्स हैं जिनको प्रोड्यूस करने में, अब आपकी आवाज प्रोड्यूस करने का क्या फिनोमेना है, देखिए इट्स जस्ट लाइक फ्लूट, जैसे आप जिस तरह आप उसकी बांसुरी की जो स्पीच साउंड है उसको, उसमें फिनोमेना क्या है, उसमें फिनोमेना ये है कि आप एक गोल सुराख के एक तरफ से आवाज को पास थ्रू करते हैं और दूसरी तरफ से निकलती है, उसके ऊपर जो सुराख होते हैं उनको आप जो आवाज देना चाहते हैं वो देते हैं। आपकी भी स्पीच का फिनोमेना यही है, आपके फेफड़ों से जो आवाज खारिज होती है वो आपके मुंह से यूं निकलती है हवा, और जब उस हवा को ये जो आपको ऑर्गन्स अल्लाह ताला ने दी हैं, इन ऑर्गन्स में कुदरती तौर पे आप उस फ्लूट की तरह जब यूज करते हैं तो आपकी वो डिफरेंट साउंड्स निकलती हैं। अब इसमें जो आपकी स्पीच साउंड है जिसमें जिसको मैं जिस वावल साउंड की मैं आपसे बात कर रहा हूँ और जो डिस्कस करना चाह रहा हूँ, जो मैंने कहा यहाँ से जब साउंड निकलती है, तो एक्चुअली जो वावल साउंड है, वावल साउंड की प्रोडक्शन में आपके किसी किस्म की ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती, ना कोई पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन होती है ना कोई कंप्लीट, यानी कि ना यहाँ पे आप कंप्लीटली उसे रोकते हैं ना यहाँ, बल्कि उसको सिर्फ शेप देते हैं, ठीक है। और जो कॉन्सोनेंट साउंड है, दो मेन कैटेगरीज है कॉन्सोनेंट साउंड में, आप उस एयर पैसेज को जो आपके फेफड़ों से निकल रहा है पार्शली या कम्प्लीटली रोकते हैं। अब आप यहाँ पे देख लें कॉन्सोनेंट साउंड को, फॉर एग्जाम्पल जब आपने प्रोनाउंस करना है प, प साउंड में सारी, इसको बाइलेबियल साउंड है, होंठों पे आप रोक के फिर उस एयर पैसेज को रिलीज करेंगे फ, अब ये फ्रिकेटिव है, अब आप यहाँ पार्शली साउंड को रोक रहे हैं, ठीक है। ट, अब ये एल्वेलर है, यहाँ पे आप टिप ऑफ टंग के साथ रोक रहे हैं साउंड को। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस ऑल दिस इन दिस लेक्चर, फर्दर डिस्कस करेंगे। अब हम यहां से फ्रिकेटिव से चले जाते हैं यू साउंड की तरफ, ये जो ये साउंड है जिसे हम यू कहते हैं, अगर आप देखें तो हमारा क्वेश्चन यही है, फॉर एग्जांपल ए आई ओ यू, अब आप इसको प्रोनाउंस भी यू करते हैं जब आपने अल्फाबेट सुने हैं, तो क्या ये यू साउंड हमेशा वॉवल ही होगी? नो, इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट व्हेन वी आर प्रोड्यूसिंग यू साउंड यू, सो दिस इज कॉन्सोनेंट। आप देख सकते हैं कि कितना आप इसे, लेकिन उ साउंड जैसे पुट में है, उ साउंड जैसे रूल में है, उ साउंड उस सूरत में ये उ इस वक्त आप रोक रहे नहीं है, इस वक्त ये साउंड वॉवल होगी। अब आई हैव रिटन फ्यू एग्जांपल्स फॉर यू हियर, यू कैन सी हियर आई हैव एन अम्ब्रेला, अब देखें इधर भी यू साउंड है, लेट मी मेक इट अ बिट बिगर फॉर यू। अब इस वर्ड में आई हैव एन अम्ब्रेला, तो इधर आपने एन यूज किया क्योंकि इससे पहले इनिशियल साउंड अम्ब्रेला है, अ साउंड यूज हुई है जो कि वॉवल है, जबकि दूसरे सेंटेंस में अपेरेंटली यहां भी आपने वर्ड यू ही है, आई एम स्टूडेंट ऑफ अ यूनिवर्सिटी, लेकिन इसकी इनिशियल साउंड य है, तो ये जो साउंड है ये कॉन्सोनेंट है, इसलिए आपने इससे पहले अ लगाया, और ये साउंड जो है अम्ब्रेला ये वॉवल है। म, म साउंड पे अब आ जाए, इसको भी देखें, आई एम एन एम ए स्टूडेंट, अब अगेन जो एम है जो म साउंड अब डायरेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहे, एम कह रहे हैं, और उर्दू में अगर लिखें तो अलिफ और ये आएगा ए, एम ए, तो इससे पहले आप इसलिए एन लगा रहे हैं क्योंकि इनिशियल साउंड इसकी वावल है, जबकि आई सा अ मंकी, अब इसकी इनिशियल साउंड म, म, आप आवाज को रोक के फिर ऑब्स्ट्रक्ट करें, तो मंकी वाली साउंड में आपकी इनिशियल साउंड कॉन्सोनेंट है। लिहाजा नाउ व्हाट यू नीड टू डू व्हेन यू आर यूजिंग दीज आर्टिकल, व्हेन यू आर प्रोनाउंसिंग समथिंग, यू शुड फोकस ऑन द इनिशियल साउंड ऑफ द नाउन, नाउन की इनिशियल साउंड या लफ्ज की इनिशियल साउंड देखें, और एक इस लेक्चर से आप समझ लें कि स्पीच साउंड्स 44 है, इसीलिए हमेशा आपके जो अल्फाबेट्स हैं वो हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ए आई ओ यू भी इस्तेमाल हो जाते हैं आपके एज ए वॉवल, आप समझ सकते हैं एक छोटे बच्चे की अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन इस लेवल पे आपको ये समझना जरूरी है कि ये हमेशा डायरेक्ट की टू प्रोनाउंसिएशन नहीं होते, आपको रियल वर्ड की अगर प्रोनाउंसिएशन देखनी है
तो थोड़ा सा फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन को समझना होगा, फर्दर लेक्चर्स इसके बारे में मैं अपलोड करूंगा, और आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल द रह गया, द का क्या इस्तेमाल है इसके बारे में भी अपकमिंग लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। सो इसलिए जैसे मैंने लेक्चर के शुरू में कहा था, श साउंड, च साउंड, इस किस्म की साउंड इंग्लिश लैंग्वेज में मौजूद नहीं है, तो आपको अगर अल्फाबेट्स मौजूद नहीं है सॉरी और लेटर्स मौजूद नहीं है, जबकि स्पीच साउंड्स में इस किस्म की साउंड्स आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। जैसे यहाँ भी मैंने मेंशन किया था, जैसे यहाँ पे ये साउंड ग है लेकिन यहाँ पे ज है, यहाँ पे ये क साउंड है कैट, यहाँ पे सीज स साउंड है, एस साउंड है। इसी तरह ये आपको ये वाली साउंड जो नजर आ रही है ये श है, और ये वाली साउंड जो नजर आ रही है ये च है, लेकिन इसके बारे में डिटेल हम फर्दर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। सो फॉर दिस इज फॉर यू टू अवॉइड दिस कंफ्यूजन एंड रिडल फॉर ऑलवेज, कि आपने कहाँ ए यूज करना है कहाँ एन यूज करना है। सो बहुत सारी आपको डिक्शनरी लोकल मिलेंगी या बुक्स मिलेंगी, उनमें भी आपको यही एज ए वावल साउंड दिखाएगी होंगे, वावल वर्ड्स यही हैं, यही होंगे, लेकिन वावल वर्ड्स हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम वावल की साउंड प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ये स्पीच साउंड्स नहीं है, ये लेटर्स और अल्फाबेट्स हैं, और ये हमेशा इसी तरह इस्तेमाल नहीं होते, जैसे मैंने आपको पट पुट और बट की एग्जांपल में भी बता दिया था। सो फॉर दैट मैं भी मिक्सअप उसे कर गया, क्योंकि जाहिर है आप वर्ड से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वर्ड्स आर नॉट ऑलवेज डायरेक्ट, की आप इन स्पीच साउंड्स को समझने की कोशिश करें। थैंक यू फॉर वेरी मच फॉर नाउ, सो सी यू देन इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।